नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर नजर आ रहा है। यहाँ ज्यादातर कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। अगर यहाँ के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 4 साल में यहाँ सिर्फ 2% के केस हुए हैं। मऊरानीपुर का एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र मात्र एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है, जबकि इस स्वास्थ्य केंद्र में 6 NM सहित 11 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती शासन द्वारा की गई थी। सन 2015 में इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। 4 वर्ष में मात्र 2 प्रसूताओं ने ही इस अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया है। जब हमारी टीम ने अस्पताल का जायजा लिया तो मौके पर मात्र 1 NM और 1 फार्मासिस्ट मौजूद थे, बाकी 9 स्वास्थ्यकर्मी मौके से नदारद पाए गए। बताया गया कि ये स्वास्थ्यकर्मी ज़्यादातर ड्यूटी से नदारद ही रहते हैं। वहीं अस्पताल में चारों ओर गंदगी का अंबार था, बाड़ सहित अन्य कमरों में ताला लटका हुआ था। फार्मासिस्ट द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई, जबकि 40 से 50 मरीज अस्पताल में उपचार कराने आते हैं, जिनका उपचार स्वयं फार्मासिस्ट ही करता है। सचिन वर्मा। सचिन वर्मा जी, आप यहाँ किस पद पर तैनात हैं? फार्मासिस्ट। ये बताइए, यहाँ आपके ये कौन सा अस्पताल है? ये नगरी स्वास्थ्य केंद्र। नगरी स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ कितने लोग तैनात हैं? यहाँ पर लगभग 6 NM, 2 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 LT, 1 बाड़ाया, 11 लोग का स्टाफ है। 11 लोग का स्टाफ है। अभी कितने लोग मौजूद हैं? अभी इस समय 2 लोग उपस्थित हैं, 1 NM बनना खड़े, 1 हम। एक आप, बाकी और कोई नहीं है? बाकी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये हॉस्पिटल कब खुला था? 2015 में। 2015 से अभी तक कितनी डिलीवरी हुई है इस हॉस्पिटल में? पहले अभी डॉक्टर थे तो 2 डिलीवरी हुई थी, इसके बाद डॉक्टर सब संविदा पे थे, यहाँ पर परमानेंट हो गए तो चले गए। अच्छा, ठीक है, वो चले गए। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे अभी जो मरीज आ रहे हैं ये कौन देख रहा है फिर? ये हम ही देखते भी। आप ही देख रहे हैं, मतलब बिना डॉक्टर के ही? मतलब कितने मरीज आते हैं पर डे? यहाँ पर डे 40 से 50 60। 40 से 50 60 मरीज आते हैं और सबको आप ही देखते हैं, आप ही दवा बांटते हैं, मतलब आप ही के सहारे सब कुछ है? हाँ। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर नहीं है। कब से नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर भी 1 साल पहले आए थे, डॉक्टर पूजा राजपूत। हाँ। वो भी संविदा पे थी, परमानेंट होंगे तो वो भी चले गए। वो भी चले गए। बाकी अदर स्टाफ कहाँ पे है? बाकी अदर स्टाफ जो है कि जैसे फील्ड पे जाता, और अभी ENM में जैसे फील्ड पे जाती है, जो हॉस्पिटल में तैनात है वो स्टाफ कहाँ पे है? वो कुछ लोग अभी जैसे 1 LT है वो छुट्टी पे हैं, और बकाया 2 स्टाफ नर्स वो आ रही होंगी, छोटे बच्चे हैं उनके, तो थोड़ा अभी गर्मी की वजह से लेट। अभी कितना बजा होगा? 10:30-11 के लगभग। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल जहां 11 कर्मचारियों को फ्री की तनख्वाह बांटी जा रही है, जो लोग अस्पताल में आते ही नहीं हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक फार्मासिस्ट मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें दवा वितरित कर रहा है। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लापरवाही के साथ आमजन के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खुला है जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको पता है यहाँ कितने लोग कैसे क्या रहते हैं? देखिए, जो मऊरानीपुर में नगरीय स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है शासन द्वारा, उसमें आज पता चला है कि मात्र फार्मेसिस के सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है, जबकि उसमें बता रहे हैं कि 11 स्टाफ है और ये गरीब लोगों के लिए खोला गया है, इसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं गरीब लोग, नगर के लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फार्मेसिस्ट क्यों दवा दे रहा है? लोगों को देखकर वही दवा दे रहा है, यानी लोगों के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लापरवाह वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, मेरे हिसाब से तो इन सभी को बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा शासनादेश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है मऊरानीपुर के नगरी स्वास्थ्य केंद्र में। भीषण गर्मी में जिले में संक्रामण रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चैन की बंसी बजा रहा है। जब इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक से जानकारी चाहिए तो वे उक्त मामले से बचते नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाएं भले ही कागजों में बड़ी बातें करती हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज हम मऊरानीपुर नगर के नगरी स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे लगभग 11 लोगों का स्टाफ है और जिसमें से 6 NM और करीब 5 लोग अदर स्टाफ में हैं, 2 स्टाफ नर्स हैं, LT हैं, सब कुछ हैं, फार्मासिस्ट है। सबसे बड़ी बात यहां पे ये हो रही है कि यहां पे एक फार्मासिस्ट के सहारे ये अस्पताल चल रहा है,
और लगभग 2015 में इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ था। उस 2015 से 2019 तक इस नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 डिलीवरी हुई हैं। और यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस हालत में लोग डले हुए हैं और क्या गंदगी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ पर देखने जिम्मेदारों को देखने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ के लोग शिकायत भी करते हैं तो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारियों को ज़रा सा भी वक्त नहीं है कि यहाँ का जायज़ा लेके यहाँ का निरीक्षण कर सकें। और सबसे बड़ी एक और हकीकत यहाँ की ये है कि यहाँ पे जो मरीज आते हैं, लगभग दिन में 30 से 40 मरीज आते हैं, और जो 30 से 40 मरीज आते हैं उन सभी मरीजों को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक फार्मासिस्ट होता है जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है, लेकिन अदर स्टाफ यहाँ मौके से नदारत रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस लापरवाही वाले रवैये को लेकर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। न्यूज़ बीके से रवि परिहार की रिपोर्ट।